अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं ग्रीन्स फंक्शन का टॉपिक कवर। इसके अंदर से मैंने आपको सिंपल और मॉडिफाइड ग्रीन्स फंक्शन करवा चुकी हूँ, और उसके साथ मैंने जो दो तीन डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स आपको बताया था कि ग्रीन्स फंक्शन की करवाऊँगी, अब मैं वो करवाऊँगी। एग्जाम्पल नंबर वन मैंने पहले आपको करवा दी है, वो इस तरह की थी कि उसमें ये इतना पार्ट दिया हुआ था। पहले जो सिंपल और ग्रीन्स मॉडिफाइड फंक्शन करते थे, वो सिंपल हमें फंक्शन दे दिया था, सारी वैल्यूज हमें पता होती थी, लेकिन यहाँ पर एक अननोन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? अब एग्जांपल नंबर टू में एक और वैल्यू ऐड हो गई है साथ। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो गिवन इक्वेशन होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे। अब इसको हमने पहले ये डबल डेरिवेटिव था वाई का इस तरह, और प्लस के स्क्वायर वाई, इसे इस तरह लिख लिया इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद इस तरह की इक्वेशन होती है, हम उसको सॉल्व करते थे। ODEs में भी हमने पढ़ा था, और उसके अलावा भी ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले इनका हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हम इनका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम इसे इक्वल टू जीरो कर देते हैं, डी ऑपरेटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद इसके रूट्स जो है वो प्लस माइनस आयोटा के निकले। प्लस माइनस आयोटा के से हमारे पास वाई का ये सॉल्यूशन बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं, और उसके बाद हमारा जो है वाई पी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रॉन्शियन मैथड। रॉन्शियन मैथड से ईजिली हमारा जो है वो सॉल्यूशन निकलेगा इसका। वाई पी में रॉन्शियन मैथड में हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको यू वन और यू टू से कर देते हैं रिप्लेस। यू वन और यू टू से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद यू वन और यू टू का जो फार्मूला होता है वो फार्मूलाज कुछ इस तरह से होते हैं कि यू वन जो होता है हमारे पास माइनस, और इनिशियल वैल्यू से एक्स वन तक ये उसकी लिमिट्स होती हैं एफ ऑफ एक्स डैश। यहाँ पे भी हमने एक्स डैश, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आगे जाके ना हमारी जब हम लोग लिमिट्स वगैरह लगाएंगे ना, तो हमारी ये जो एक्स की ऊपर है ना, मतलब यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो ज़ीरो से एक्स लेनी है ना जब हमने, तो वो लिमिट और हमारे पास फंक्शन के अंदर एक्स जो है ना वो सेम हो जाएगा। उसको डिफरेंट करने के लिए हमने एक्स डैश लगाया। इसका आगे जाके मैं दोबारा बता दूँगी, U1 का फार्मूला ये बना और U2 का फार्मूला हमारे पास ये होता है। सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। अब जो हमने इनके लिए सबसे पहले हमने ये W फाइंड करना है, W Y1 और Y2 का W है, और साथ एक जो X है वो हमारे पास X की जगह पे हमने X डैश लिया वो आ गया। ये तो हो गए दोनों फार्मूलाज। अब यहाँ पे जो W है हमने उसको कैसे फाइंड करना है कि इसके अंदर W का फार्मूला होता है यहाँ पर Y1 Y2 और नीचे y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव आता है यहाँ पे। यहाँ पे y1 हमारे पास क्या है, u1 तो ये है, u2 ये है, ये तो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास y1 है, y1 जो है वो हमारे पास है y1 इज इक्वल टू cos ऑफ kx, और y2 जो है वो हमारे पास है sin ऑफ kx। ये y की वैल्यूज दी हुई हैं हमें, तो वो हमें मैंने डायरेक्ट फार्मूले में लगा दी है। आप लोग चाहें तो फार्मूला लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यूज लगा दें। यहाँ पर y1 y2 और y1 डैश यानी इसका डेरिवेटिव और नीचे इसका डेरिवेटिव, ये भी हम लोग पहले रॉन्शियन मेथड के अंदर कर चुके हैं, आपको पता ही होगा। फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो यहाँ से हमारे पास w की वैल्यू यानी ये k cos square kx आ गया, प्लस ये k sin square kx आ गया। यहाँ से k कॉमन ले लिया और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ k बचेगा, w की वैल्यू आ गई हमारे पास k। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने, अब ये जो फार्मूलाज हैं इनके अंदर हमने वैल्यूज लगानी है। अब इसके अंदर देखते हैं, हम हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है ना जो हमारे पास है वो है ज़ीरो, और ऊपर हमारे पास आएगा एक्स, और उसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे वाई टू है ना, वाई टू, वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ के एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे हम के वैल्यू पुट करेंगे जो डब्ल्यू की निकली थी हमारे पास, और एफ ऑफ एक्स डैश इंटू डी एक्स डैश। ये देखें, ये आ गई है हमारे पास यू वन की वैल्यू, और इसी तरह ये हमारे पास हमने यू टू में भी वैल्यूज पुट कर ली हैं। यू टू हमारे पास क्या था वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। यू टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स डैश डब्ल्यू, और ये वाई वन और डी एक्स डैश। यहाँ पे वाई वन की वैल्यू हमने कोस के एक्स लगाई, और यहाँ डब्ल्यू की जगह हमने के लगाया, और ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, और ये लिमिट जो है वो जीरो से एक्स तक वैसे ही, ये वैसे ही लेंगे। ये आ गया u1 और ये हमारे पास आ गया u2। अब हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो हमारा शुरू में हमने बनाया था, वहाँ पे हमने u1 और u2 की जो वैल्यूज़ है ना वो पुट करनी है। यहाँ पे u1 और u2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, cos की x ऐसे ही रहेगा, और साथ हम u1 की वैल्यू पुट कर देंगे। u1 की जो वैल्यू है वो ये आया cos की x जो पहले से मौजूद है, और माइनस वन ओवर के, माइनस वन ओवर के इसके साथ आ गया ज़ीरो से एक्स एफ ओफ एक्स डैश। ये देखें साइन ऑफ के डी, सिंपल वैल्यू पुट की है सिर्फ। उसके बाद प्लस
साइन ऑफ के एच जो यू टू के साथ था पहले से वो, और उसके बाद बाकी ये सारी जितनी भी वैल्यू है ना ये सारी है यू टू की हमारे पास, वैल्यूज कर दी हमने पुट। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है कि वन ओवर के इंटू ज़ीरो से एक्स और ये वाला फंक्शन, ये जो है हमने कॉमन ले लेना, जो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी वो ये है, यहाँ से माइनस कोस के एक्स साइन के एक्स डैश प्लस यहाँ से कोस के एक्स डैश और साइन के एक्स डैश और यहाँ से डी एक्स कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने फार्मूलाज पढ़े थे मैथ में, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग फर्स्ट ईयर वगैरह के बुक्स के अंदर एफ एस सी में, ये फार्मूला हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इसको गौर से अगर हम देखें तो सेम यही वाला फार्मूला बन रहा है, इस फार्मूला को हम करेंगे क्लोज। ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और ये साइन बीटा, तो इसका फार्मूला क्लोज हो गया हमारे पास, ये बन जाएगा। उसके बाद हमारा ये निकला है पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है उसके अंदर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारा क्या था, सी वन कोस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स, और उसके बाद हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला वो ये सारा निकला है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद जो हमने करनी है बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास पहली है वाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है, और इसे इक्वल टू हमने ज़ीरो ही रखना है जिस तरह बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। जब हम एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया तो कोस ज़ीरो वन होता तो सी वन आ जाएगा, साइन ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरे फंक्शन में कहीं पे भी एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया हमने, और ये इंटीग्रेशन के ऊपर एक्स है तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब इसके अंदर देखें कि जो जिसकी इंटीग्रेशन की लिमिट ही ज़ीरो से ज़ीरो हुआ है तो वो टर्म तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई, तो सी वन प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया ये, तो सी वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई ज़ीरो, यानी कि ये वाली वैल्यू है जो ये हमारे पास ज़ीरो है, तो सी वन हमारे पास यहाँ से ज़ीरो हो गया। ये देखिए सी वन हमारे पास ज़ीरो हो गया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो थी हमारे पास थी वाई एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट की सी वन कोज ऑफ के एल प्लस सी टू। अब ये वाली वैल्यू में चाहे आप एल वाली लिमिट लगाएं ना लगाएं, क्योंकि सी वन तो ज़ीरो ही है, इसे पहले ही ज़ीरो कर लें चाहे, या लिख लें उसके बाद ज़ीरो कर लें। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सी वन कोज ऑफ के एल, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे एल लगा दिया, यहाँ पे भी एक्स था एल लगा दिया, यहाँ पे भी एक्स था एल लगा दिया, बाकी इसको इस तरह लिख लो। सी वन हमारे पास पहले ही ज़ीरो हो गया तो ये वाली टर्म हमारे पास ख़त्म। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इसको उठा के हम जब दूसरी तरफ लेके गए हैं माइनस, और इस वाली चीज़ को हमने इसके साथ नीचे ला कर डिवाइड करवा दिया, यानी हमने यहाँ से सी टू की वैल्यू जो है निकाल ली है, सी टू को हमने सेपरेट कर लिया, तो सी टू की हमारे पास वैल्यू यहाँ से ये निकल आई है। उसके बाद हमने क्या करना है, पीछे जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास निकली हम इसको वन कह लिया था। अब हमने यहाँ पे जो हमारा जनरल सोल्यूशन है उसके अंदर जो अननोन कॉन्स्टेंट होते हैं बाउंड्री कंडीशन से हम लोग वो निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने सी वन और सी टू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। सी वन हमारे पास ज़ीरो है, सी वन हमारे पास ज़ीरो था वो ज़ीरो हो गया, और जो सी टू निकला है ना हमारा ये वाला हमने उसको पुट किया यहाँ पे सी टू की जगह, सी वन वाली वैल्यू ज़ीरो, सी वन वाली वैल्यू ज़ीरो, सी टू ये साइन के एक्स वैसे ही रहेगा साथ सी टू की वैल्यू, और ये वाली टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। जैसे कि ये देखें साइन के एक्स ये वाली जो वैल्यू है ये वो वाली वैल्यू है जो पहले से साइन के एक्स सी टू के साथ था, और ये वाली सारी वैल्यू है ना ये सी टू की वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद प्लस साथ ही वो वाला दूसरा इंटीग्रल सेम वैसे ही रहेगा। अब सेम जिस तरह कल वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना कि लिमिट ज़ीरो से एल थी, ज़ीरो से एक्स है इसकी, अब हमें ज़ीरो से एक्स वाली लिमिट चाहिए होती है तो हम इस लिमिट को ज़ीरो से एल वाली लिमिट को करेंगे ब्रेक। पहले हम जाएंगे ज़ीरो से एक्स और फिर हम जाएंगे एक्स से एल, तो हमने ये वाली सिंपल हमने ये वाली जो वैल्यू है ना ज़ीरो से एक्स तक ये वाली सारी वैल्यू वैसी प्लस, फिर हम एक्स से एल तक गए ये वाली सारी वैल्यू वैसी प्लस, ये वाली नीचे वाली वैल्यू भी हमारे साथ वैसे ही आ गई नीचे। अब हम क्या करते थे, फिर हमने लेना होता है ज़ीरो से एक्स वाली जो लिमिट होती है ना इसको हम लेते हैं कॉमन, ये डी एक्स ये फंक्शन को कॉमन ले लेते हैं, और ये एक्स से एल वाली को हम लोग अलग कर लेते हैं। एक्स से एल वाली जो है इसको किस कुछ भी नहीं कहना, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, लेकिन ये वाली जो दो वैल्यूज़ है ना ये वाली, अब पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया हमने, जैसे अगर हम ज़ीरो से एक्स को पहले कॉमन लिया फिर ये फंक्शन को कॉमन लिया, उसके बाद हमारे पास अंदर क्या बचता है, अंदर हमारे पास बचा है साइन ऑफ के एल एक्स, और ये वाली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी तो अंदर आ जाएगी, ये आ गई अंदर, उसके बाद प्लस
जीरो से एक्स कॉमन गया, ये भी कॉमन आ गया, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी डी एक्स डैश। उसके बाद ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी। ये एक स्टेप, चाहें तो आप लोग पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें फिर कॉमन ले लें तो आप लोगों के लिए आसानी है, लेकिन मैंने ज़रा डायरेक्ट कर लिया क्योंकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एक्स से एल वाली टर्म आ गई, ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई है ये वाली, इसका हमने लिया एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये पूरी के नीचे टर्म के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ऊपर ये वाला इतना बड़ा सा फैक्टर बन गया, साथ ये एक्स से एल वाली है ना, ये ऐसे की ऐसे ही आएगी, इसको भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे सेकेंड स्टेप ये जो है इसके अंदर हमने क्या किया, ये इक्वल लगे हुए हैं स्टेप्स, अलग अलग आपको पता चल जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स डैश और ये वाला हम बाहर ले आए हैं। अब हमने अंदर ऊपर वाली जो चीज़ है ना इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस साइन ऑफ के एक्स आ गया। अब इसके ऊपर हमने वो अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगाना है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा, इसको खोल लिया। यहाँ से भी इसके ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा, हमने यहाँ से इसको खोल लिया, साथ साइन ऑफ के एक्स वैसे ही आ गया और ये एक्स से एल वाला टर्म वैसे की वैसी रही। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया है कि ये वाली चीज़ वैसे लिख दी। उसके बाद हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, यहाँ से हमने इस सारी वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, सबको मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक्स एल वाली वैल्यू वैसे लिख दी अगेन। उसके बाद यहाँ से हमारे पास देखें दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, माइनस साइन, ये देखें साइन के एक्स, ये भी साइन के एक्स, साइन के एल ये भी साइन के एल, कोज एक्स के एक्स डैश और कोज के एक्स डैश, ये माइनस के ये प्लस के, ये दोनों कैंसिल, ये दो वैल्यूज हमारे पास बचेंगे। अब इन दो वैल्यूज़ को भी ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास साइन के एक्स जो है, साइन के एक्स डैश कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन के एक्स कोज के एल माइनस कोज के एक्स साइन के एल, ये डैश वाली वैल्यू को छोड़ के। आप जब साइन के एक्स डैश कॉमन लेंगे ना तो अंदर हमारे पास अगेन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का एक फार्मूला बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बनेगा साइन के एक्स माइनस एल। आप ये करके देख लें, साइन के एक्स डैश को इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगे ना उसके, वो भी हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, उसको क्लोज करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद ये साइन के एल जो है यहाँ वाला था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एफ ऑफ एक्स डैश आ गया डी एक्स, ये वाली टर्म वैसे की वैसे नीचे उतार ली। अब यहाँ आ गए हैं हम लोग, हमारे पास सब सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब सिंप्लीफिकेशन की, अब हमने क्या किया है कि ज़ीरो से एक्स एफ ऑफ एक्स डैश ये मैंने वैसे लिख लिया और जो के एल है इसको मैं अंदर ले गई हूँ यहाँ, यानी जो साइन जो फंक्शन की वैल्यूज़ है ना जो हमें पता है वो मैंने इसके साथ ये करनी है सिंपल, मैंने अंदर ये के अंदर ले गई उनको इकट्ठा किया, यहाँ से भी ये वाली वैल्यूज़ अंदर ले जाके मैंने सारी इकट्ठी कर दी, एफ ऑफ एक्स डैश अलग कर लिया। अब हमारे पास जीरो से एक्स तक का ये वाला फंक्शन है और एक्स से एल तक का ये वाला फंक्शन है, तो अब हम यहाँ से जी ऑफ एक्स इंटू एक्स डैश बनाएंगे। ये देखें पीछे जो हमारी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको हमने इससे कंपेयर कर ली, टोटल हमारे पास जो है वो जीरो से एल तक होता है ना जी ऑफ एक्स इंटू एक्स डैश एफ ऑफ एक्स डैश, ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, इसके साथ हमने पिछली वाली को कंपेयर कर लिया। अब ये देखें इधर एफ ऑफ एक्स डैश डी एक्स डैश और ये हमारे पास जी की वैल्यू है, जीरो से एक्स तक की जी की वैल्यू ये है, एक्स से एल तक की जी की वैल्यू ये है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ माइनस। जी हमारे पास होता ही पीस वाइज है एक फंक्शन, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे जी को, जीरो से एक्स तक ये फंक्शन था ये लिख दिया और एक्स से एल तक ये फंक्शन था। अब इसके साथ माइनस भी था, वहाँ माइनस था ना क्योंकि पीस वाइज फंक्शन में तो प्लस होना चाहिए, ये है हमारे पास यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हम यहाँ पे अंदर लेके जाके उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एक्स डैश माइनस एल हो जाएगा। अच्छा आप इस वैल्यू को ना इस तरह पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसके साथ माइनस है ना तो एक स्टेप और कर लें, वो मैंने किया नहीं, यहाँ अंदर से माइनस को कॉमन लें, जब अंदर से हम माइनस को कॉमन लेंगे ना तो ये बन जाएगा एक्स डैश इंटू माइनस एल, एक्स डैश माइनस एल हो जाएगा यहाँ से, थोड़ी सी ओवर है टी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस को, ये माइनस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा सिंपल हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा एक्स डैश माइनस एल,
या इसको इस तरह से भी देख लें कि इस माइनस को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही आएगा, या कॉमन ले लें तब भी यही आएगा। अब ये हमारे पास जी का फंक्शन बन गया एक्स इंटू एक्स। अब हमारा जो सारा फंक्शन था वो हम एक्स डैश में लेके चले गए, तो हमारे पास जीरो एक्स डैश लेस देन एक्स तक और एक्स से लेस देन यानी एल तक, एक्स से एल तक। तो अब जो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रिप्लेस करके, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि हमें ओरिजिनल एक्स में चाहिए फंक्शन, हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स डैश और एक्स डैश की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे। सिंपल रिप्लेसमेंट किया, यहाँ पे एक्स डैश था एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स था यहाँ पे एक्स डैश आ गया। सिंपल रिप्लेसमेंट की हमारे पास, यहाँ पे एक्स डैश था यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे एक्स था यहाँ पे एक्स डैश आ गया। ये हमारे पास बन गया जी का फंक्शन। यहाँ से हमारे पास जो है इस जो फंक्शन है इसके अंदर एक इसकी ये है कि इसकी साइन के एल जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसकी लिमिट सिर्फ इतनी है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा अगर ज़ीरो होगा। तो ये लिख दें साथ, और के इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस प्रॉब्लम। इस होमोजीनियस प्रॉब्लम है ये एक, इसकी बाउंड्री कंडीशन मतलब इक्वल टू ज़ीरो है, होमोजीनियस प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर जो आइगन वैल्यू है वो के नहीं है हमारा। ये लिख दिया, उसके बाद हमने अब करवानी है प्रॉपर्टीज़ अप्लाई। ग्रीन्स फंक्शन की सिंपल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन्स फंक्शन, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस इन इंटरवल 0 से एल एंड इन पर्टिकुलर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश। यानी कि इस प्रॉपर्टी में हमने कहा है कि ये कंटिन्यूअस है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें मैंने आपको कंटिन्यूअस की प्रॉब्लम जो है ना, मतलब कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखाई थी। वो आप खुद सेटिस्फाई कर लें आपसे बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं भी करना चाहिए तो बुक के अंदर सिंपल उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो ये भी ठीक है, आप सिंपल लिखते हैं अगर नहीं होगा। अगर आप करना चाहें तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू उस पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश अप्लाई करनी है नीचे वाली वैल्यू, और उसको इक्वल करना है नीचे वाली वैल्यू, और उस पर लिमिट अप्लाई करवानी है एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश, और उनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी प्रॉपर्टी कॉन्टीन्यूस की, दोनों के दरमियान इक्वल आ जाएगा। तो इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, इधर वाली को करेंगे तब भी वो इक्वल हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इट सेटिस्फाई द होमोजीनियस डी ई। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी ओवर। तो इधर से ना हमने वाई को बाहर निकाल लिया, यानी हमें ये गिवन था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम वाई को बाहर निकाल लें डी एक्स स्क्वायर प्लस के, ये वाई बाहर आ गया इक्वल टू जीरो। तो अब इसको जी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स इंटू एक्स डैश सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम जी को पुट कर देंगे। तो हमने जी को पुट कर दिया, ये इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। इन ईच ऑफ द सब इंटरवल जीरो से एक्स डैश एक दफ़ा हमने इंक्लूड करवाया, एक दफ़ा इंक्लूड नहीं करवाया। थर्ड प्रॉपर्टी है जी ऑफ एक्स डैश आल्सो सेटिस्फाई दी गिवन बाउंड्री कंडीशन। गिवन बाउंड्री कंडीशन जो थी हमारे पास वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो थी, एक्स की जगह पे जीरो लगाया, एक्स डैश हमारे पास वैसे ही रहा सेम, जिस तरह ग्रीन्स फंक्शन मॉडिफाइड में हम लोग कन्वर्ट करते थे बाउंड्री कंडीशन सेम टू सेम वैसे ही है। दूसरी में हमने एक्स की जगह पे एल पुट कर दिया, और यहाँ पे भी हाँ आई एक्स डैश ही आएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है वो डिसकॉन्टीन्यूस की है। डिसकॉन्टीन्यूस की मैंने पिछली वीडियो में भी करके दिखाई थी, इस वीडियो में भी हमने इसको डिसकॉन्टीन्यूस को प्रूव किया हुआ मैंने। इस डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग। और सबसे पहले हम डिसकॉन्टीन्यूस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लिया हमने, जो गिवन हमारा पिछला फंक्शन था उसका सिंपली डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ जहाँ पे ये रहा जी का फंक्शन, इसके अंदर इसका डेरिवेटिव लिया कोज, और ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे रहेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक्स नहीं है, तो कोज ऑफ के एक्स और बाकी सारी वैल्यू आगे सेम। इसी तरह इसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया। और मैंने आपको बताया था कि इसमें डिसकॉन्टीन्यूस की जब हम प्रॉपर्टी करते हैं तो पहले हम लोग करते थे माइनस वन ओवर पी ऑफ टी। तो यहाँ पे हमने सॉरी पहले हम करते थे वन ओवर पी ऑफ टी, सिंपल पॉजिटिव वन होता, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस वन ओवर पी ऑफ टी करना है। तो सिंपल जो हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके साथ तो हमारे पास वन नहीं पड़ा हुआ है, तो पी एक्स और पी ऑफ टी दोनों हमारे पास वन है, तो यहाँ पे माइनस वन ओवर वन ही आ रहा है। लिमिट डेरिवेटिव लिया ऊपर वाले पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश अप्लाई की, माइनस नीचे वाला जो वैल्यू थे उसके ऊपर एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश लिमिट अप्लाई कर दी। अब इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ लिमिट अप्लाई करने के
जैस यहाँ यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करने के साथ ही मैंने ये फार्मूलाज भी खोल लिया, साइन अल्फ़ा कोज बीटा माइनस कोज अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ से भी मैंने इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करके मैंने साथ ही फार्मूला खोल लिया, कोज अल्फ़ा कोज अल्फ़ा कोज बीटा, और यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूलाज हम पहले कर चुके हैं, सिंपल लिमिट अप्लाई की है और ये जो फार्मूलाज थे इनको मैंने खोल लिया है, इक्वल टू माइनस वन आ गया ये। अब हम इनका एलसीएम लेंगे और इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा के जो कटिंग होगी वो कर लेंगे। देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर वैल्यू, यानी ये कोज ऑफ के एक्स डैश था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, सारा अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास साइन ऑफ के एक्स डैश है, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू माइनस वन। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एलसीएम ले लेना है, दोनों के नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर भी सेम ही है। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी। इधर से हमारे पास ये देखें इनका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों वैल्यूज सेम है, इनका स्क्वायर कर लिया, ये दोनों वैल्यूज ये टर्म्स यहाँ से भी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सिंप्लीफिकेशन किया सिंपल और कुछ भी नहीं किया। यहाँ से भी ये दोनों वैल्यू सेम है, इनका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ के एल। ये दो वैल्यूज टर्म्स जो है हमारे पास जब हम एलसीएम लेंगे इसका, यानी डिवीजन वाली जो वैल्यू है उसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे, तो ये दो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। इनमें से हमारा साइन ऑफ के एल जो है कॉमन आ रहा है, साइन के एल यहाँ से कॉमन आ रहा है, और ये जो अंदर माइनस भी कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर के एक्स डैश और साइन स्क्वायर के एक्स डैश अंदर आ गया, और इस वैल्यू को हमने कह दिया वन, और ये के साइन के एल ये नीचे वाले साइन के एल से कैंसिल हो गया और ये माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस वन, और माइनस वन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देगी। और इस तरह आज से उम्मीद है आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा और आज हमारी एग्जाम्पल नंबर टू भी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर थ्री करवाऊँगी, वो भी बहुत डिफरेंट है, उसके अंदर ज़रा डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस दी गई हुई हैं, तो जिस तरह इसमें तो बाउंड्री कंडीशंस हमारी इक्वल टू जीरो थे, वहाँ पे हमारे पास अननोन किस्म की कोई बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी उसको हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बोला क्वेश्चन कर लेंगे और इस तरह हमारा ग्रीन्स फंक्शन का टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।